अयोध्या के बाद भगवान राम की दूसरी नगरी हजारीबाग के धर्म प्रेमियों एवं कलाकार समाज के द्वारा दिनांक 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हजारीबाग बड़ा अखाड़ा में 2 दिवसीय रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 21 जनवरी को सभी आयु वर्गों के लिए सुबह 11 बजे से पेंटिंग, फैंसी ड्रेस और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन विषय रामायण, दोपहर 2 बजे से सभी धर्म प्रेमियों एवं सहयोगियों का सम्मान समारोह, शाम 4 बजे से संगीत सहभक्ति समूह नृत्य एवं शाम 5 बजे से दिल्ली रामलीला मैदान के तर्ज पर 80 कलाकारों से सुसज्जित भव्य रामलीला का प्रदर्शन किया जाएगा एवं दिनांक 22 जनवरी को सुबह 8 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ, सुबह 9 बजे से राम दरबार पूजा अर्चना, सुबह 11 से 1 बजे तक अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा लाइव प्रसारण एवं दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा श्री राम जानकी रथ का प्रस्थान, नगर भ्रमण के बाद बड़ा अखाड़ा में वापसी एवं प्रसाद वितरण होगा। 500 वर्षों के बाद आए इस ऐतिहासिक पल को हजारीबाग के सभी नगरवासी कला के माध्यम, प्रभु श्री राम के जीवन को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों तक पहुँचाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के मुख्य सलाहकार महंत विजयानंद दास जी के मार्गदर्शन में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के बाद सभी कलाकारों एवं मीडिया बंधुओं ने वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत शैलेश शर्मा को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज स्थानीय डॉल्फिनो रिजॉर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति से कार्यक्रम संयोजक सुबोध आकाश, अध्यक्ष अमिताभ श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष रामकिशोर सावंत, सचिव विशाल कुमार, कोषाध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता, मुख्य निर्देशक राकेश गौतम, सदस्य शशिकांत सिन्हा, बबलू सिन्हा, मीडिया प्रभारी प्रदीप पाठक एवं संरक्षक हर्ष अजमेरा, विकास कुमार, डॉक्टर अमला राणा, राजीव रंजन मिश्रा मुख्य रूप से सम्मिलित थे। हजारीबाग संवाददाता श्रुति गुप्ता की रिपोर्ट। और 22 जनवरी को उसके पूर्व संध्या पे हजारीबाग में दिनांक 21 जनवरी को एक भव्य रामलीला का कार्यक्रम हजारीबाग में रखा गया है संध्या 6 बजे से, लेकिन उसके पहले हम लोगों का बहुत सारा कार्यक्रम है। दिन का 11 बजे से ही 21 तारीख को कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले हम लोग प्रभु के नाम पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाए हैं, फिर उसके बाद प्रभु श्री राम पे ही आधारित फैंसी ड्रेस कंपटीशन का प्रतियोगिता है, फिर संपूर्ण रामायण पे क्यूज प्रतियोगिता रखा गया है। 4 बजे शाम से हम लोग का ये सम्मान समारोह रखा गया है 21 तारीख को, फिर 5 बजे से हम लोग सांस्कृतिक संध्या, भजन संध्या 1 घंटे का होगा वहाँ हजारीबाग के तमाम अच्छे अच्छे कलाकारों के द्वारा, फिर 6 बजे से हम लोग रामलीला करेंगे। ये 21 तारीख का कार्यक्रम है। फिर जो 2 दिवसीय है ये मनाने का हमारे समिति के द्वारा एक कोशिश चल रही है और हमने आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से अपील करना चाहूँगा, बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करें और इस सम्मेलन में आप सब सहयोग दें और साथ ही साथ अपनी सहभागिता भी इसमें निभाएं। पार्टी से प्रेरित नहीं है, जितने भी हमारे तमाम सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं सारे लोगों को इसमें हर्ष हुआ है और साथ साथ इसको हम लोग जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का जो विचार बनाए हैं इसमें आप लोगों से भी अपेक्षा होगा, सभी लोग इसमें मिलकर सहयोग करें और लोगों तक पहुंचाएं, इसलिए कि मीडिया लोगों का आईना होता है और आप लोग जो छापेंगे जो कहेंगे वही दिखेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं इस कार्यक्रम को इतना भव्य तरीके से आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और श्री राम जी का जो यहाँ रामलीला का मंचन होगा उस पे लोग अपने अपने व्यक्तित्व में भी उतारने का कोशिश करें ताकि राम जी कैसे महान थे इस पर लोग समझे। हम लोग किसी पार्टी से नहीं होकर के ये रामलीला कृष्णलीला महासमिति का गठन कर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है।